आज मैं आपको एक ऐसे किसान से मिलाऊंगा जिन्होंने अपने फार्म पे गऊ भी रखी हैं और साथ में अच्छे नस्ल वाले सांड भी रखे हैं। हमने ऐसे देखा है भाई, अपने गांव में गऊ सांड रखना तो दूर की बात है, गऊ भी नहीं रखते हैं। अगर पूरे गांव में हम नजर फैलाएं तो मुश्किल से 5-10 घरों में ही हमें गाय मिलेंगी। तो किसान साथी ने ऐसा क्यों किया है इसके बारे में जानेंगे, और ऐसा करने के बाद इन्हें अपने खेतों में कितना फायदा मिला है उसके बारे में भी जानेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ में ही। इस तरह की खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और दूसरे किसानों के साथ जरूर शेयर करें। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, जितने भी साथी अपन देखे हैं ना, उन्हें एक छोटा परिचय दे दो अपना। नमस्कार जी, मेरा नाम कपिल है जी, मेरे पिताजी का नाम किरशन सिंह, गांव सुरेती, जिला झज्जर, हरियाणा जी। तो ये बताओ जी, आपने जैसे देखा है हमने आपके फार्म पे, जी यहाँ पे 3-4 तो आपने बुल भी रखे हुए हैं और 5-7 गाय हैं, छोटी बछड़िया हैं, तो ये बुल साथ में रखने का क्या कारण है जी? अच्छा जी, मतलब ऐसा है जी, बुल साथ रखने का मेन कारण तो है जी, मैं थोड़ा सा राजीव दीक्षित जी का बातें मानता हूँ, उनका फॉलोअर हूँ जी। जी और नंबर दो बात जी, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, 10वीं पास की है, वो भी करीब करीब 2.5 वर्ष में। एक बार फेल हो गया, फिर अच्छा दोबारी कंपार्ट आ गया, फिर जी, तीसरे झटके में मैंने पास की, कंपार्ट अच्छा जी, तोड़ा। कहने का मतलब ये है जी, राजीव दीक्षित जी जैसे बताते हैं कि भाई हमारी गऊ को बहुत नुकसान हुआ है अंग्रेजों के समय में, और हमारे जंगलों का बहुत नुकसान हुआ है, और हमारी शिक्षा प्रणाली का बहुत नुकसान हुआ है। जो पुरानी शिक्षा प्रणाली थी वो बिल्कुल खत्म हो गई जैसे है। गुरुकुल तो होया करते हाँ, जी, बिल्कुल गुरुकुल जैसे संस्कृत पढ़िया चलते थे, करते हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो इनसे तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है जी। तो हमें अगर फिर से अपने देश को तरक्की पे लाना है तो हमें गऊ की रक्षा करनी होगी। तो जी, मतलब मेरे पास ये 3 सांड हैं, इनकी माँ जो हैं वो हम CCBF फार्म सूरतगढ़ से ले आए थे, हालात के चलते हमने वो बेचनी पड़गी, और जी अब मेरे पास 3 सांड हैं उनमें से। तो और बाकी ये जो गऊ हैं, जो मेरे किसान भाई दूसरे हैं जिनसे समय पर नहीं संभल पा रही, या दूध कम दे रही हैं, या वो लात मार देती हैं, या और किसी परेशानी की वजह से छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं, मेरे पास वो गऊ हैं। टोटल सारी मिला के मेरे पास 18 गऊ हैं जी। और जी, और कोशिश हो रही है जी पूरे परिवार की कि हम अच्छी नस्ल तैयार कर पाएँ उन्हीं गऊओं से, तो अच्छे सांड होंगे तो हम इस कार्य को आगे तक ले जा सकते हैं, ये मानना था राजीव भाई दीक्षित जी का। तो जी, उन्हीं के हिसाब से पूरा परिवार लगा है कि भाई हम अच्छी नस्ल तैयार करें, अच्छी नस्ल तैयार होंगी तो लोग बाग उनको रखना पसंद करेंगे, और अगर वो ज़्यादा मात्रा में रख पाएंगे तो हमारी जो मिट्टी है ये मजबूत हो जाएगी, हमारी ज़मीन अच्छी हो जाएगी, और ज़मीन में जहर नहीं डालेंगे तो शुद्धता आएगी, शुद्ध अन्न पैदा होगा। शुद्ध अन्न पैदा होगा तो जी, कोई भी पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, कोई भी जीव खाएगा तो वो अच्छा होगा, उसका स्वास्थ्य स्वास्थ्य जी, अच्छा ये रहेगा। मिट्टी को शुद्ध करने में किस तरीके से हेल्प करें हैं जी? मिट्टी का कार्बन बढ़ा देती है, और जो ये हमारे जो ये बोलते हैं देसी केंचुए जो हैं, ये इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, हमारी ज़मीन उपजाऊ हो रही है। और जी, बहुत सी जड़ी बूटियां तो खुद ब खुद उग जा रही हैं। आपके खेत में कितना फर्क देखने में मिला जी आपने? अच्छा हमारे खेत में तो दिन रात का अंतर है जी, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने पहले देखी भी नहीं थी, जी, और अब अगल बगल के गांव वाले भी मतलब पथरी की दवा है, भृंगराज है, इतनी मात्रा में जम गया है जहाँ हम ये इनका कचरा डालते हैं गऊ माता का कि मत पूछो बात। बिल्कुल जी, और रात में जैसे इतने पट बीजन आ जाते हैं, जो ये जैसे आसमान हाँ में जी, तारे जुगनू चमक रहे हैं, चमकते हैं हाँ बिल्कुल, जुगनू जो है, हाँ जी, जुगनू भी कहते हैं, रात में जैसे तारे चमकते हैं, ऐसे मेरे खेत में तारों के आसमान में जैसे देखोगे उससे भी ज्यादा ज्यादा मिलेंगे। ठीक चमकीला मेरा खेत नजर आता है रात ठीक में। ठीक ठीक जी, तो और ये जड़ी बूटियां भी अपने आप उग रही हैं, पथरी की दवा है जो हमने आपको दिखाई थी वो ऐसी है कि एक बार वो लेते ही तुरंत ठीक हो तुरंत जाती है, ठीक हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, कितना भी दर्द हो दवा लिए तुरंत ठीक हो जाती है, जीवाणुओं की संख्या ज्यादा हो जाएगी, जीवाणुओं की संख्या ज्यादा होगी, और जो भी अनाज पैदा हो रहा है उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आपने कोई सब्जियां भी उगाई हैं जी इस खेत में? हाँ, कुछ सब्जियां भी उगा रखी हैं जी,
और कुछ अनाज है। तो और उनका कुछ टेस्ट और उनकी डिमांड के बारे में बताओ जी। आपने जैसे कोई भी सब्जी लगाई है तो किसी की पैदावार हुई उसकी और अड़ोस पड़ोस में किसी की डिमांड हुई भाई, क्या कुछ भाव में मिली, थोड़ी इसके बारे में और बताओ। मतलब ऐसा है जी, फसल भी अच्छी हो रही है और उसका टेस्ट उसका बहुत अच्छा है। फिर जो खाने वाला है वो मतलब बार बार मंगाता है। अच्छा, इतनी एक बार टेस्ट कर लिया उसने तो बार बार आपके खेत मात उत्पाद बार बार मंगावा। बिल्कुल जी बिल्कुल। भाई साहब जैसे आप बता रहे थे कि भाई मेरे खेत में अच्छी पैदावार होती है, अभी सब्जियां भी लगाई हैं मैंने, तो वो किस तरह से पैदावार अच्छी हुई उसके बारे में और बताओ जी। सर ऐसा है कि हमने बहुत सी फसल लगाई, अगेती दो बार सरसों लगाई, एक खेत में मूली लगाई, एक खेत में बाजरा भी बोया अगेता, और जी एक खेत में पालक लगाया, एक खेत में कपास लगाया। लेकिन क्या है कि बारिश लगातार होती रही पिछली बार, तो वो हमारी फसलें नष्ट होगी। तो जो घर में जो घिया रखी थी, अपने जो खेत में जो होती थी उसके जो बीज थे वो हमने एक आधा एकड़ में लगाए, तो बहुत अच्छी घिया हुई और बहुत अच्छा उनका टेस्ट था। और जी उसी ने हमारा कुछ काम चलाया, वो हमारी बहुत अच्छी बिकी, 90,000 से भी कुछ ऊपर बिकी। हाँ जी हाँ जी। अपने लोकल में घूम के बेच दी होंगी? हाँ लोकल में दो माछरोली सलानी और कुछ चांदपुर में ऐसे में बेचता है। हाँ जी भाई, वो जाते ही इंतजार करते मिलते भाई, जैविक घिया में आवाज लगाता वो तुरंत अपने आके ले लेते। क्योंकि भी गांव वालों को तो वो जैविक उन्हें खा रखी है पुराने टाइम, हम इसलिए उन्हें पता है कि भाई वो टेस्ट है कि नहीं है। चलो जी, आपका मतलब आपका ये जैसा भी आप कह रहे हो, आपने वैसा फर्क भी देखने को मिला है, तो भी किसान साथियों ने क्या संदेश देना चाहोगे भी, इस तरह के पशुपालन के साथ जाना चाहिए अगर नहीं जाना चाहिए जी? देखिए जी, मेरा मानना तो यही है कि भाई राजीव भाई दीक्षित जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच्चाई कह रहे हैं। हमारे जंगलों का बिल्कुल खात्मा हो गया है और गौ माता का भी बहुत नुकसान हुआ है। और जी गौ माता अगर है तो हम अपने देश को जल्दी से उन्नति के रास्ते पे ले आ सकते हैं। और उनकी नस्ल सुधार के लिए मैं औरों से भी अपील करता हूं कि भाई और भाई भी ऐसी कोशिश करें। और परेशानियां बहुत आई हैं जी और चल ही रही हैं। तो मेरे एक संदेश और भी है जी, अगर कोई भाई अगर हमारा ये जो कार्य है राजीव भाई दीक्षित जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए अगर इससे प्रेरित हैं, अगर इससे खुश हैं इस हमारे कार्य से, तो अगर हमारी हेल्प करना चाहें तो हमारी हेल्प भी कर सकते हैं। और जी वो हमारा जो नंबर है उसी में हमारा ये गूगल पे और ये पेटीएम वगैरह उसी में है। तो एक बार कॉन्टेक्ट नंबर बता दो जी अपना। और जी हमारा नंबर है 9896199333। हिंदी में बता दो। 9896199933। और जी एक बात और रखना चाहूँगा मैं आप सभी सजनों से कि ऐसा है, हमारे महर्षि दयानंद जी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, अगर अगला जीवन हम सुधारना चाहते हैं तो हमने ये जीवन सुधारना पड़ेगा। और ये जीवन सुधारना है, इस ये जीवन कैसे सुधरेगा, इसके कर्म सुधारने पड़ेंगे। अगर अगला जीवन हम सुधारना चाहते हैं तो इस जीवन के कर्म सुधारने पड़ेंगे। ये जीवन हमें पिछले जीवन में जो कर्म किए थे उनके अनुसार मिले है। और जी अगर हम अच्छे कर्म करना चाहें तो अच्छे कर्म करने के लिए हमारे पास अच्छे विचार होने चाहिए, अच्छे विचार के लिए हमारे पास अच्छा मन होना चाहिए। और अच्छे मन के लिए अगर शुद्ध अन्न मिलता है तो हम अपने मन को अच्छा करने में बहुत मदद मिलती है, मेरे को तो मिली है जी। और जी महर्षि दयानंद जी के स्पष्ट विचार थे, अगर अच्छा मन होगा तो अच्छे विचार होंगे, अच्छे विचार होंगे तो अच्छे कर्म होंगे, और जी अच्छे कर्म होंगे तो हमारा अगला जीवन अच्छा होगा जी। एक बात और है जी, जो मान लो किसी भाई को ये राजीव भाई दीक्षित जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने वाला कार्य अच्छा लगे, तो जी मेरी आपसे अपील है कि मेरे सभी सदनों से जो भी अगर इस कार्य में हमारी अगर मदद करना चाहे तो वो 10 रुपये से 5 रुपये से जो भी उसकी इच्छानुसार हो वो हमारी मदद कर सकता है। नंबर आपको दे दिया गया है जी, बड़ी मेहरबानी, धन्यवाद। कपिल जी एक बात बताओ, जैसे मैं ही अपने घर पे भी कोई देसी गाय रखता हूँ, अगर मैं भी अच्छी नस्ल के लिए काम करना चाहूँ तो उसमें आप क्या मदद कर सकते हैं मेरी? जी सर ऐसा है, आप अच्छे कार्य करने में लगे हैं तो जी मैं आपकी ये हेल्प कर सकता हूँ कि आपकी अगर गौ मान लो नहीं हो रही है तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप उनको सीमन वगैरह ना लगवाएं। और मेरे आसपास के जो हैं तो वो हमारे यहाँ अपनी गौ को 2-4-5 दिन तब वो नहीं होने का समय हो तब वो यहाँ छोड़ जाएं और वो नहीं होने के बाद अपनी को वापस ले जाएं।
चलो जी, बहुत अच्छी चीज है, किसान साथी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और भाई जितने भी मदद हो उसके आप इनकी मदद भी जरूर करें, और साथ में भाई इस तरह की शुरुआत आप भी जरूर करिए। अगर आप अपने घर में पशु नहीं रखते हैं, जो भी गाय आपके भाई गली में से निकलती है उसको कम से कम एक रोटी जरूर दें, ताकि उसका कुछ ना कुछ पेट भर सके। अगर पूरा गांव एक एक रोटी भी खिलाएगा तो भाई बहुत सारी गायें पल सकती हैं। और जो अपने पुराने बुजुर्ग हैं वो ऐसा बोलते हैं कि भाई जो गऊ होती है हमारे खेत में से अगर वैसे भी निकल जाएगी ना, तो उससे भी हमारा खेत शुद्ध हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इन बातों में काफी मात्रा में सच्चाई है, और इस तरह की शुरुआत हमने जरूर करनी चाहिए। मैं तो जरूर एक देसी गाय अपने घर में रखूंगा और ये कार्य मैं बहुत ही जल्द शुरू कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं आपको भी ये शुरुआत जरूर करनी चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको दूसरे साथियों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान, जय किसान।